आदाब दोस्तों, आज मैं फिर आपकी फ्रेंड शिरीन दोबारा आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। ये है लाल मिर्च की चटनी, जो इस मौसम में बड़ी वाली लाल मिर्च आती है अचार की, उसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी भी बनती है। चलिए आज हम बनाना सीखते हैं लाल मिर्च की चटनी। ये जो लाल मिर्च थी, इनको मैंने अच्छे से धो के और फिर कपड़े से पोंछ लिया था। अब इसके बाद हम इसके ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेंगे और हम इसके बीज नहीं निकालेंगे, क्योंकि बीज निकालने के बाद इस मिर्च का तीखापन चला जाता है, और जब हम चटनी बना रहे हैं तो हमें तीखेपन की ज़रूरत है। ये देखिए, मैंने ये सारी मिर्च को अच्छे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और अब हम इसे कट करने के बाद सीधे मिक्सर में डालेंगे, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे लहसुन और इसको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए, पीसने के बाद ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब मैंने सरसों का तेल गरम किया, उसमें मैंने डाली थी हींग, और हींग के बाद अब ये मैंने डाले हैं सरसों के दाने। जैसे ही ये दाने तड़क जाएंगे, इसके बाद हमने जो अपनी मिर्च का और लहसुन का पेस्ट बनाया था, हम वो मिर्च और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आप वहाँ से चेक कर लिएगा। अगर आपने आधा किलो लाल मिर्चें ली हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम 50 ग्राम लहसुन डालना है, क्योंकि इसका जो मेन टेस्ट है वो लहसुन से ही आता है। ये देखिए, अब हम वो जब हमने अपना मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया और उसमें सिर्फ मिर्च और लहसुन था, उसको हम अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। इसको बनाने की जो मेन टिप है वो ये है कि जो हमारी गैस है वो लो से मीडियम पर ही चलेगी, हम हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे। इसको हम जितनी देर तक बनाएंगे उतनी ही देर अच्छा इसका टेस्ट होगा। ये देखिए, तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है, साइड में सारा घी इसका तेल आ गया है। मैंने सरसों का तेल डाला था, तेल जब साइड में आ जाता है इसका मतलब है कि हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। लेकिन अभी भी हम गैस को बंद नहीं करेंगे और लो फ्लेम पे इसे और 5 मिनट पकाएंगे। हमें इसे टोटल मिला के कम से कम 15 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये नीचे नहीं लगे। अगर लग गया तो आपको पता है जल जाएगा, फिर सास और शौहर दोनों से सुनना पड़ेगा। ये देखिए, अब इसमें से ये पकने के बाद इसमें से खुशबू आने लगी है, और हम गैस को बंद करने के बाद इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस हम इसलिए डालते हैं ताकि आप इसे 2 से 3 महीने तक अगर एयरटाइट कंटेनर में भी रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। मैंने ये कम मिर्चों की बनाई थी, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। इस चटनी को आप रोटी के साथ, पूरी के साथ या सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। प्लीज़ इस चटनी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। शुक्रिया।